नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय और असम में चल रहे हैं प्रदर्शन। लोगों की मांग है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 को हटाया जाए। यही वो एक्ट है जो आर्म फोर्स को संदिग्ध पर गोली चलाने, तलाशी लेने, छापा मारने और हिरासत में देने जैसे तमाम अधिकार देता है। मणिपुर के सीएम और उनके कैबिनेट मंत्री भी खुलकर इस एक्ट के विरोध में आए। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया। गुरुवार को विधानसभा में कुमार ने कहा कि एक कहावत है कि जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और इसके मजे लो। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी इस बयान पर कोई एक्शन लेने की बजाय हंसे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर गए। यहां उनकी मुलाकात भाजपा के पंजाब चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से हुई। इसके बाद वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इन नेताओं के बीच पंजाब में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। इसके बाद कैप्टन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की कुछ देर में होगी अंत्येष्टि। उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना के 3EME सेंटर स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर बैरागढ़ स्थित यथाशक्ति विश्राम घाट पर ले जाया गया। पूरे रास्ते लोग भारत माता की जय, वरुण सिंह अमर रहे के नारे लगाते चले। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 15 माह की दिव्यांशी 10 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाली गई। नौगांव के दौनी गांव में रेस्क्यू 9.5 घंटे चला। बोरवेल में दिव्यांशी 13 फीट नीचे फंसी थी। हादसा गुरुवार दोपहर 3 बजे हुआ। दिव्यांशी मां राम सखी कुशवाहा और 2 बड़ी बहनों के साथ अपने खेत पर गई थी। सतना में 8वीं कक्षा का छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करते समय हुआ घायल। बच्चा मोबाइल से पढ़ाई कर रहा था और मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। छात्र का एक हाथ और चेहरा ब्लास्ट के कारण हुआ लहूलुहान। परिजन घायल छात्र को नजदीकी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर छात्र को मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने वाले बीकानेर के पवन व्यास ने बनाया नया रिकॉर्ड। पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए खुद 1 घंटे में 205 साफा बांध नया रिकॉर्ड बनाया। पवन व्यास ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पुणे के संतोष रावत के नाम था। संतोष ने 129 लोगों को साफा बांध नया रिकॉर्ड बनाया था। पवन ने गुरुवार को 205 स्टूडेंट्स को साफा बांधा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुरुवार रात अपने निजी कार्यक्रम को लेकर जिले के दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को सबसे अकर्मण्य, करप्ट, निकम्मी और नाकारा सरकार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल प्रदेश में इतिहास के सबसे काले दिन साबित हुए। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी संगठन को पूरी तरह से तैयार बताया। अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से चिंता बढ़ गई है। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया। जो बाइडेन ने कहा कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 ने पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के मामले में फेल स्टेट बताया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा के साजिद मीर जैसे 2008 के मुंबई हमले और 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी पाकिस्तान में घूम रहे हैं आजाद। पाकिस्तान किसी भी आतंकी को सजा देने में नाकाम। पश्चिमी जापान के ओसाका में एक इमारत में आग लगने से 27 लोगों के मारे जाने की आशंका। दमकल विभाग के अधिकारियों ने दी जानकारी। ओसाका शहर के अग्निशमन विभाग के अधिकारी अकीरा किशिमोतो ने कहा कि किताशिंची के एक शॉपिंग और मनोरंजन क्षेत्र में एक 8 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगी। इस हादसे से 28 लोग घायल। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने गुरुवार को चीन की कई बायोटेक सर्विलांस कंपनियों और कई सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध की ये कार्रवाई शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर चीन के अत्याचारों के विरोध में की गई। इन प्रतिबंधों के चलते दायरे में आई कंपनियां अमेरिकी अर्थतंत्र में व्यापार नहीं कर पाएंगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही
ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।